पापा हम भी ना एक दिन ऐसी गाड़ी लेंगे। हाँ बेटा जरूर लेंगे, पर पहले मन लगा के पढ़ाई कर लो, बड़े ऑफिसर बन जाओ, फिर ले लेंगे ऐसी गाड़ी। जी पापा। अबे ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को टच करने की? हाँ अगर एक भी स्क्रैच आ जाता पैसे कौन तेरे बाप भरता? मैडम आप ऐसे क्यों बात कर रही हो, हम तो बस गाड़ी को देख रहे थे। अगर देखनी थी ना तो दूर से देखनी थी, पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है ये, तेरे बाप दादा ने कभी जिंदगी में देखी भी नहीं होगी। मैडम देखिए अब आप ज्यादा बदतमीजी कर रही हैं। बदतमीजी मैं अभी कर नहीं रही हूँ, अभी तो मैं सिर्फ प्यार से बात कर रही हूँ। पापा आप चलो, हमें ऐसे लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है, हम एडमिशन के लिए लेट हो रहे हैं। अबे ओ तू जानता भी है मैं हूँ कौन? जिस इंस्टीट्यूट में तू एडमिशन के लिए जा रहा है ना वो मेरा है। छोड़ो बेटी कोई बात नहीं। क्या बेटी बेटी लगा रखा है ये, अपनी औकात में रह के बात कर समझा। मैम बोल मुझे। जी मैम। देखिए आप मेरे पापा के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। बदतमीजी कर रही हूँ मैं? अभी की कहाँ है, अगर थोड़ी देर तुम दोनों और रुके ना तो हाथ उठ जाएगा मेरा। अरे मैडम हमें माफ कर दीजिए, अनजाने में मेरे बेटे से ये हो गया। दरअसल बात यह है कि मेरे बेटे को ये गाड़ी बहुत पसंद है, इसलिए देखने आ गया और गलती से इसका हाथ लग गया गाड़ी पर। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। और आगे से होना भी नहीं चाहिए, तुम बाप बेटों की ना औकात नहीं है ये गाड़ी खरीदने की भी। और ये स्क्रैच कहां से है मेरी गाड़ी में? जरूर तेरी हरकत होगी ना ये, इसे ठीक करने के पैसे निकाल। अरे मैडम इसने स्क्रैच नहीं लगाया। अबे बुड्ढे ज्यादा बकवास मत कर, पैसे निकाल मेरे। अरे मैडम ये क्या कर रही है? ये मैं पैसे अपने बेटे की फीस जमा करने के लिए लाया हूँ, इन्हें दे दीजिए। वो सब ना गाड़ी को हाथ लगाने से पहले सोचना था, अब स्क्रैच आया तो पैसे तुम दोनों ही भरोगे ना, मैं अपनी जेब से थोड़ी ना भरूंगी। और हाँ आइंदा से ना मेरी गाड़ी के आसपास दिखना भी मत, निकलो यहाँ से। अरे मैडम ये पैसे मैं अपनी एफडी तोड़वा कर लाया हूँ ताकि मैं अपने बेटे की फीस जमा कर सकूँ, आप इन्हें दे दीजिए। अबे ओ बुड्ढे ज्यादा ना बकवास मत कर, और मेरे सामने ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, चुप करके निकल यहाँ से वरना पुलिस को बुलवाऊंगी और ऐसा चोरी का इल्जाम लगाऊंगी ना कि तुम दोनों बाप बेटे जेल में सड़ोगे। निकलो यहाँ से अब। चलो चलो बेटा चलो यहाँ से। जी सर बुलाया आपने? हाँ मुस्कान, वो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी उस पे स्क्रैच लग गए। हाँ सर एक्चुअली गाड़ी के पास कुछ गरीब से लोग खड़े थे, पूरे गवार टाइप के थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे तो मैंने उन्हें माफ कर दिया। पक्का उनकी वजह से स्क्रैच लगे हैं? हाँ सर उन्हीं से लगा है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? शायद तुम भूल गई कि इंस्टीट्यूट के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, और उसमें मैंने देख लिया कि तुमने उन गरीब बेचारों के साथ कितनी बदतमीजी करी, उनकी बेइज्जती करी, और ऊपर से उनके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगाया कि उन्होंने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मारे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी। और लाओ जो उनके पैसे लेते वापस दो। तुम्हें क्या लगता है पैसा कमाना बहुत आसान है? मैं भी तुम्हारे लिए आसान होगा पैसा कमाना, वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं भरी धूप में, क्यों? क्योंकि ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके, और तुम जैसे लोग उनके साथ इतनी बदतमीजी करते हो। और काफ़ी टाइम से तुम्हारी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि जितने भी गरीब बच्चे स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन करवाने के लिए आते हैं तो उनका एडमिशन नहीं कराती, पता है क्यों? क्योंकि वो गरीब है, और अपने रिश्तेदारों का एडमिशन करा रही हो, है ना? एक बात बताऊँ, ये तुम्हारा घर नहीं है, इंस्टीट्यूट है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर सब बच्चे हमारे लिए बराबर है, चाहे फिर वो गरीब हो चाहे अमीर। और हाँ ऐसे एम्प्लॉय की ना मुझे अपने इंस्टीट्यूट में ज़रूरत ही नहीं है जो इनको बच्चों से बात करने की तमीज़ ना हो और ना इनके पेरेंट्स से, समझे तुम? नहीं सर प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बस जितना सुनना था मैंने सुन लिया है। और तुम्हें पता है इसकी तुमने बेइज्जती की है ना, उनके लड़के ने पूरे स्टेट में टॉप किया है, पर तुम्हें क्या ही पता होगा कि पढ़ाई की वैल्यू होती क्या है, तुम्हें तो बस पैसा पैसा दिखता है। खैर छोड़ो, तुम्हारे जैसे इंसान को ना समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करो कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बाहर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देना, और जो भी तुम्हारी सैलरी पेंडिंग है ना बाहर रिसेप्शन से कलेक्ट कर लेना, और बाहर वो वेट कर रहे होंगे उन्हें भेज देना, पर प्यार से बदतमीजी से नहीं, जाओ। सॉरी सर। जी नमस्ते साहब। नमस्ते, आइए बैठिए।
आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आए थे तो फिर बिना एडमिशन करवाए क्यों जा रहे थे? अरे वो सर, अरे मुझे सब पता है कि आपके साथ बाहर क्या हुआ और क्या नहीं, और मैडम को मैंने जॉब से ही बाहर निकाल दिया है, और मैडम की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब आपका बेटा इतना होशियार है तो हम आपके बेटे का एडमिशन बिल्कुल लेंगे, और आपके बेटे का एडमिशन बिल्कुल फ्री में होगा, आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके पैसे जो मैडम ने बाहर लिए थे, और जल्द से जल्द हम आपके बेटे का एडमिशन अपने इंस्टीट्यूट में लेंगे ताकि आपका और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर सके। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे धन्यवाद की क्या बात है, आपके बेटे में काबिलियत है कि अब हमारे इंस्टीट्यूट में है, जिससे हमारे इंस्टीट्यूट का और आपका दोनों का नाम रोशन होगा। और सुमित, मन लगा कर पढ़ाई करना, समझे? जी सर। चलिए ठीक है, कल टाइम से आ जाना, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।